हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका रेसिपी। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नमकीन सेवियाँ, जिसको वर्मीसिली सेवियाँ भी बोलते हैं। ये वैसे तो बहुत हेल्दी आइटम है, क्योंकि ये सूजी की बनी हुई सेवियाँ होती हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, आपको मालूम ही है नीचे लाइक का बटन और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। नमकीन सेवियाँ बनाने के लिए फ्रेंड्स, मैं पहले अपनी सेवियों को रोस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे पास ऐसे बिना रोस्टेड वाली सेवियाँ हैं। अगर आपके पास रोस्टेड की हुई सेवियाँ हैं तो फिर आपको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम पहले सिम गैस पे ऐसे रोस्ट करेंगे, जब तक कि इसमें लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाए। इसको लगातार हिलाते रहना फ्रेंड्स, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं तो क्या, हमारी जो सेवियाँ हैं वर्मीसिली है वो जल जाएगी। इसको लगातार 2 से 3 मिनट तक हमको हिलाते रहना, जब तक ब्राउन कलर ना आ जाए। ये देखिए, सेवियों का कलर हल्का हल्का चेंज होना शुरू हो गया है। बस 1-2 मिनट के लिए हम इसको और हिलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इसको लगातार हिलाते रहना। तो सेवियाँ फ्रेंड्स मेरी हो गई हैं, तो इसमें मैं डालूंगी अपना पानी। पानी फ्रेंड्स ऐसे डालना है जैसे हम नूडल्स को उबालने के लिए डालते हैं वैसे, ताकि अच्छे से बॉइल्ड हो जाए। हल्का सा नमक, ताकि जो सेवियों में हल्का सा नमक आ जाए, और थोड़ा सा देसी घी। आप चाहे रिफाइंड का भी यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स, लेकिन मैं देसी घी का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट जो है सेवियों में बहुत अच्छा आता है। बस इसको 2 से 3 बॉयल आने तक हम इसको बॉयल करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, 2 से 3 उबाले हमारे आ चुके हैं और सेवियाँ हमारी हो चुकी है। इसको चेक करने का फ्रेंड्स यही तरीका है, हल्का सा हाथ से आप दबाकर देख सकते हैं। तो अगर ये बहुत ज़्यादा आपको बॉयल नहीं देना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी जैसे हम मीठी सेवियाँ बनाते हैं, हल्का सा आपको जैसे ऑल दानते हम पास्ते के लिए रखते हैं वैसा आपको रखना है। तो इसको हम छान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम छन्नी में अपनी वर्मीसिली को छान लेंगे। जैसे ही हम छान लेंगे, इसमें हम डालेंगे अपना ठंडा पानी, ताकि जितना भी स्टार्च है वो हमारी वर्मीसिली से निकल जाए। ये देखिए अच्छे से, ये टिप बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सेवियाँ उबालकर जैसे ही छानते हैं और उसी टाइम ही वो अपनी सब्जियों में डाल देते हैं, तो उससे क्या है हल्का सा स्टार्च उसमें आता है। इस तरह आपको, और एक तो इसका एक फ़ायदा है, ये आपस में चिपकेंगे नहीं, और इसका जितना भी स्टार्च है सेवियों का सब निकल जाएगा। तो जैसे हम नूडल्स बनाते हैं, हल्का सा हम इसमें ऑयल भी लगा देंगे, ताकि आपस में ये चिपके ना। ये देखिए, मैं टोटली फ्रेंड्स देसी घी यूज़ कर रही हूँ, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हो। ये देखिए हमारी सेवियाँ जो है बिल्कुल एक के ऊपर एक नहीं चढ़ी, सब सेपरेट हैं। तो बनाते हैं अपनी वर्मीसिली सेवियाँ। तो सबसे पहले हम डालेंगे फ्रेंड्स थोड़ा सा अपना घी। अगेन मैं देसी घी ही यूज़ कर रही हूँ। एक इस डिश की खासियत है फ्रेंड्स, इसमें घी बहुत कम डलता है। घी डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी स्लाइस की हुई हरी मिर्च और करी लीव्स, थोड़ी सी राई, थोड़ा सा जीरा, और फिर हमारे चॉप किए हुए ये प्याज। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया फ्रेंड्स, इसको बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं काटना और बहुत चॉप नहीं करना, जैसे हम दाल में डालते हैं वैसे चॉप नहीं करना, बस ऐसे मीडियम साइज़ में प्याज रखना। इसको बस हल्के हल्के सॉटे करना फ्रेंड्स, ताकि जो हम जैसे हम नूडल्स में होता है हमारी सब्जियाँ सारी क्रंची होती हैं, बहुत ज़्यादा सॉगी नहीं होती, वैसे ही ये नमकीन सेवियाँ होती हैं। बस हल्का सा हमको सॉटे करना है, बहुत ज़्यादा इसको हमको गलाना नहीं है। प्याज आई थिंक फ्रेंड्स हो गए हैं, तो इसमें मैं अपनी मनचाही वेजिटेबल्स डालूंगी। तो आप इसमें कोई भी वेजिटेबल्स डाल सकते हो, जैसे सर्दियां जैसे आने वाली हैं, आप बीन्स डाल सकते हो, जो कलरफुल कैप्सिकम होती है वो डाल सकते हो, गाजर डाल सकते हो जो रेड वाली आती है। तो आप कोई भी वेजिटेबल्स अपने हिसाब से डाल सकते हो, और क्वान्टिटी भी फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। बस इसको हल्के हाथों से हमको सिर्फ सॉटे रखना है, ताकि इसका क्रंचीनेस रहे। ये देखिए, कई लोग फ्रेंड्स इसमें टमाटर भी डालते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, जैसे नूडल्स हम बनाते हैं उसमें टमाटर नहीं डलता, तो ऐसे ही वर्मीसिली नमकीन जो सेवियाँ होती हैं इसमें टमाटर कम यूज़ होता है। क्योंकि होता क्या है, जब हम सेवियाँ भी हमारी सॉगी होती हैं, तो फिर जब टमाटर डालने से वो और थोड़ी सी ढीली ढीली लगती हैं, उसमें क्रंचीनेस नहीं आता। तो इसको 1 मिनट के लिए हम भूनेंगे, फिर अपनी डालते हैं इसमें सॉसेज। तो सब्जियाँ हमारी सॉटे हो गई हैं फ्रेंड्स, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, बहुत ज़्यादा नहीं डालना फ्रेंड्स, क्योंकि हम इसमें कुछ सॉसेस डालेंगे तो उसमें ऑलरेडी नमक होता है। हल्की सी लाल मिर्च, 1 पिंच हल्दी, इसको हम सॉटे करेंगे। थोड़ी सी फ्रेंड्स इसमें मैं पास्ता सॉस डाल रही हूँ, पिज़्ज़ा पास्ता सॉस जो आती है, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा और चटपटा बनाने के लिए डाल रही हूँ। थोड़ी सी टमाटो सॉस, बिलीव मी फ्रेंड्स जब आप इस तरह बनाएंगे तो आपकी वर्मीसिली सेवियाँ सब चाट चाट के खाएंगे, स्पेशली बच्चे तो आई एम श्योर बहुत चाट चाट के खाएंगे।
तो इसको हल्का सा सॉटे करके अब हम डालेंगे अपनी जो बॉयल की हुई वर्मीसिली है, ये देखिए। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स, इसमें जो अपना जो हमारी करछी है, जो सर्विस स्पून है, बहुत हल्के हाथ से हिलानी है, नहीं तो हमारी वर्मीसिली और ज़्यादा क्रश हो जाएगी। और गैस जो हमने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना है फ्रेंड्स, ये देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है और कितनी अच्छी लग रही है। अगर इसमें और हम सब्जियां डालते हैं जैसे गाजर या लाल या पीली शिमला मिर्च, तो और भी ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है। फ्रेंड्स सुबह सुबह उठो ना, सबसे पहले तो घरों में यही टेंशन होती है कि आज ऐसा क्या बनाएं जो घर में सब जाने खाएं और वो हेल्दी भी हो और बच्चे भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ ना करें। तो ये आई थिंक सबसे बेस्ट ऑप्शन है। मैं नॉर्मली क्या करती हूँ घर में, जब भी मुझे लगता है कि आज बच्चों का मन नहीं है पराठा खाने का, तो मैं हमेशा यही वर्मीसिली जो नमकीन सेवियाँ यही हमेशा बनाती हूँ, और बच्चे जो हमारे इसको नूडल समझ के खा लेते हैं। हाँ, आप इसको नूडल्स की तरह और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए इसमें सोया सॉस और विनेगर भी डाल सकते हो, लेकिन मैं कम डालती हूँ बिकॉज मुझे लगता है वो कम हेल्दी हैं। तो रेडी है हमारी वर्मीसिली सेवियाँ। तो फ्रेंड्स नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेवियाँ कैसी लगी, और घर पे ट्राई ज़रूर करिएगा। नीचे लाइक, बेल आइकॉन और सब्सक्राइब का बटन दबाना मत भूलिएगा, और अपने फ्रेंड्स में मेरी रेसिपीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो स्वस्थ रहिए, खाते रहिए, मस्ती करते रहिए, और खाइए लेकिन हेल्दी खाइए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी पर। बाय फ्रेंड्स।